इंसान की बनाई एक ऐसी चीज जो आज इंसान से भी ज्यादा जरूरी हो चुका है। भारत में पैसे को माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं और आज जिसे देखो वो माँ लक्ष्मी को मनाने की कोशिश में लगा रहता है। जहाँ एक तरफ माना जाता है कि पैसा हर एक सुख सुविधा का साधन है, वहीं एक सच ये भी है कि पैसा सभी दुखों का कारण भी है। आज के समय की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जिनके पास पैसा ना हो उनसे बड़ा दुखी और बदकिस्मत इंसान कोई और नहीं हो सकता। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज लोग अपने रिश्ते से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस पैसे को देते हैं। इसलिए तो पैसे की वजह से अच्छे खासे रिश्ते भी टूट जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति सिंह और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर एक ऐसा शो जो पूरी तरह से अमीरी गरीबी के बीच कड़ी माने जाने वाले पैसे के ऊपर बेस्ड है। दरअसल पैसे कमाने से लेकर पैसे बचाने तक के लिए अब तक आपने कई शो सुने होंगे, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है हमारी आदतें। क्योंकि हमारी आदतें ही वो चीज हैं जिनकी वजह से हम अमीर या गरीब बनते हैं। तो बस आज के अपने शो में हम बात करेंगे उन्हीं आदतों के बारे में जिनकी वजह से हम और भी ज्यादा गरीब बन जाते हैं। अब जब इतनी बातें पैसे की हो चुकी हैं, तो मेरे दोस्त आप ये तो समझ चुके होंगे कि आज के इस दौर में हर किसी के पास भरपूर पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपके पास ना तो अच्छे दोस्त होंगे और ना ही आपके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी। शायद यही वजह है कि आजकल सच्ची दोस्ती और सच्चे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं और लोग खुद को अमीर दिखाने की दौड़ में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि वो अपनी हकीकत को भी भूलते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ था अनिकेत के साथ। बिहार का रहने वाला अनिकेत वैसे तो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, लेकिन उसके सारे दोस्त काफी अमीर थे। अनिकेत हमेशा उनके जैसा बनने की कोशिश किया करता था। पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी अनिकेत अपने दोस्तों की महंगी गाड़ियों, कपड़े, मोबाइल्स को देखकर सिर्फ दोस्तों में दिखावा करने के लिए महंगे आईफोन और महंगे ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, ताकि उसकी भी अपने दोस्तों के बीच में एक धौंस बनी रहे। वैसे तो अनिकेत दुनिया के सामने खुद को अमीर दिखाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन जब वो रात को सोने जाता तो उसके दिमाग में अमीर बनने के तमाम विचार आते। वो बस अपनी लाइफ में किसी तरीके से ढेर सारा पैसा कमा के अमीर बनना चाहता था। वैसे मुझे मालूम है हम सभी के बीच में ऐसे तमाम अनिकेत हैं जो बस किसी तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहते हैं और दुनिया में अपनी पकड़ बनाने के लिए खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये शो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि अनिकेत के सफर में हम अपनी उन तमाम आदतों के बारे में जान पाएंगे जिनकी वजह से हम और भी ज्यादा गरीब बन जाते हैं। तो बस इत्मीनान से बैठ जाइए और सुनना शुरू कीजिए ये शो सिर्फ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। एक बार अनिकेत और उनके दोस्तों ने दिल्ली घूमने का प्लान किया। सारे दोस्तों ने अपनी सुविधा अनुसार फर्स्ट एसी के टिकट बुक की, जिनको देखकर अनिकेत ने भी अपने लिए फर्स्ट एसी की ही टिकट खरीद ली, क्योंकि दोस्तों के सामने इज्जत की बात थी। बस फिर क्या, सारे दोस्त निकल पड़े दिल्ली के लिए। इस सफर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से अनिकेत की लाइफ बदलने वाली थी। अगर आपने कभी भी फर्स्ट एसी में ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें एक प्राइवेट केबिन होता है जी, जिसमें केवल दो व्यक्ति ही रह सकते हैं और वो उसे अंदर से पूरा एक कमरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर बड़े लोग और बिजनेस क्लास के लोग ही फर्स्ट एसी से ट्रैवल करते हैं। पांच दोस्तों में चार दोस्तों को तो एक साथ एक केबिन मिल गया, लेकिन अनिकेत की सीट एक अनजान व्यक्ति के साथ दूसरे केबिन में थी। पहले तो अनिकेत को बहुत अजीब लगा, लेकिन जब उसने केबिन का दरवाजा खोला तो अंदर लैपटॉप पर काम कर रहे एक व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं।
अनिकेत के केबिन में मशहूर लेखक और फाइनेंशियल एडवाइजर विष्णु शर्मा ट्रैवल कर रहे थे। उनकी हाल ही में आई बुक लोगों द्वारा बहुत पसंद की जा रही थी और अनिकेत ने भी उनकी फाइनेंस के ऊपर लिखी किताबें पढ़ रखी थी, इसलिए वो उन्हें तुरंत पहचान गया। विष्णु शर्मा को देखते ही अनिकेत ने कहा, हेलो सर, नमस्ते, मेरा नाम अनिकेत है। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने आपकी लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं। आप सच में बहुत कमाल का नॉलेज देते हैं। अच्छा, तुम्हें सच में अच्छी लगी मेरी किताब? हाँ सर, यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों को भी आपकी किताबें पढ़ने के लिए कहता हूँ। सच कहूँ तो मैं आपके द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो भी करता हूँ। अनिकेत की इस बात को सुनकर विष्णु शर्मा जी ने अनिकेत से पूछा, तो बताओ मेरी कौन सी किताब तुम्हें अच्छी लगी? या वो छोड़ो, ये बताओ कि उन किताबों से तुम्हें हेल्प मिली या नहीं? सर, आपकी किताबें तो वैसे बहुत कमाल की हैं, लेकिन सच कहूं तो मैं उन चीजों को सही तरीके से अपनी लाइफ में अपना नहीं पा रहा हूं। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। विष्णु शर्मा जी जो कब से अपने लैपटॉप में लगातार कुछ टाइप किए जा रहे थे, अनिकेत की ये बात सुनकर अचानक से अपनी टाइपिंग रोकते हुए अनिकेत को अपना सामान रखकर अपने पास बैठने के लिए कहते हैं। अनिकेत भी अपना सारा सामान अपनी सीट पर रखकर उनके पास में बैठ जाता है। फिर विष्णु जी अनिकेत से कहते हैं, तुमने कहा कि मेरी किताब को तुम समझ नहीं पा रहे हो और तुम कोशिश भी कर रहे हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस तरह की कोशिश मिल रही? जिन अपूर्वा शर्मा जी से एडवाइस लेने के लिए लोग पैसे देते थे, आज अनिकेत को उनसे बात करने का मौका मिला था, इसलिए बिना वक्त गंवाए अनिकेत अपने प्रॉब्लम्स को बताना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, ये शो सिर्फ अनिकेत की लाइफ पर नहीं बना है बल्कि हम सभी की लाइफ से रिलेटेड है। तो आगे जो कुछ भी होगा वो सिर्फ अनिकेत की नहीं बल्कि आपकी भी लाइफ से जुड़ा होगा, इसलिए आगे आने वाली बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और शो में जो भी टिप्स बताए जाएंगे उन्हें जरूर से फॉलो कीजिएगा। सर, वैसे तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे सारे दोस्त रिच फैमिली से हैं। मैं भी उनकी तरह लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करता हूँ, उनकी तरह सोचने और काम करने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उनके जितना अमीर नहीं बन पा रहा हूँ। आपकी ही किताब में मैंने पढ़ा था कि जो जैसा सोचता है और जैसे एनवायरनमेंट में रहता है वो वैसा बन जाता है, इसीलिए मैं हमेशा अमीर बनने का सोचता हूँ और अमीरों के बीच में ही रहता हूँ ताकि मैं भी अमीर बन जाऊँ, लेकिन मैं अमीर आदमी नहीं बन पा रहा हूँ। अनिकेत की इस बात को सुनकर विष्णु जी हंसते हुए उससे कहते हैं, तुम्हें पता है तुम मेरी बात तो मान रहे हो और मुझे इस बात की खुशी भी है, लेकिन तुम भी बाकी लोगों की तरह उन बातों को गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो। गलत तरीके से? मैं कुछ समझा नहीं। अनिकेत के सवाल पर विष्णु जी अपना लैपटॉप अनिकेत की तरफ करते हुए उससे कहते हैं, ये देखो, तुम जैसे ना जाने कितने लोग ऐसे ही गलती करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, फाइनेंशियल एडवाइजर की तमाम बातें सुनकर उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की जगह गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर लेते हैं और जिस वजह से वो लोग और भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। बस इन्हीं चीजों से बचने के लिए मैं अपनी अगली किताब लिख रहा था। विष्णु जी की बातें सुनकर अनिकेत को पहले तो थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि आज उसे फ्री में फाइनेंशियल एडवाइजर मिल चुका था और वो इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने विष्णु जी से एक सवाल पूछा, सर आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर कौन सी बैड हैबिट होगी? देखो, वैसे तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ खास नहीं जानता, लेकिन जितनी भी बातें तुमने मुझे अभी अभी बताई हैं, उसके आधार पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी बैड हैबिट है शो ऑफ करना। विष्णु जी की ये बात सुनकर अनिकेत को थोड़ा बुरा लगा, मगर फिर भी वो चुपचाप उनकी बातें सुनता है क्योंकि उसे पता था कि वो जो कुछ भी कहेंगे वो अनिकेत के लिए फायदेमंद ही होगा। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी कंडीशन फर्स्ट एसी में ट्रेवल करने की नहीं है, फिर भी तुम दिखावे के लिए
अपने पैसे को बेवजह बर्बाद कर रहे हो, और ऐसा केवल तुम नहीं बल्कि ज्यादातर लोग करते हैं जो दूसरों के सामने दिखावे के लिए अपनी मेहनत की कमाए हुए पैसे को बेवजह पानी की तरह बहाते हैं। सर, मैं आपकी बात से टोटली अग्री करता हूँ, लेकिन ये भी तो सच है ना कि लोग केवल उन्हें ही भाव देते हैं जो लोग खुद को अमीर दिखाते हैं, और वैसे भी सोसाइटी में अपना एक स्टेटस बनाने के लिए दिखावा तो करना पड़ता है। देखो अनिकेत, ये सब कुछ तुम्हारे मन के भीतर का एक भ्रम है। मिडिल क्लास वालों को यही लगता है कि लोग उनके पैसे की वजह से जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारे हौसले और हिम्मत की वजह से तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम कभी भी किसी अमीर व्यक्ति को देखना, वो लोग बिल्कुल ही साधारण लाइफस्टाइल जीते हैं। वो बहुत साधारण कपड़े पहनते हैं। यकीन नहीं तो तुम मुकेश अंबानी जी को ही देख लो, रतन टाटा जी को ही देख लो। लेकिन वही मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को देखो, वो बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, और वो भी केवल दिखावे के लिए। तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर मेरी मानो तो इंसान को दिखावा करना छोड़ देना चाहिए। उसे अपनी जमीनी हकीकत को अब 4,000 रुपए बना सकते थे, और फिर उन्हीं 4 से 4 लाख भी। लेकिन तुमने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, जिसके लिए तुम्हें उनकी तरफ से ना तो कोई एप्रिसिएशन मिलेगा और ना ही कोई स्पेशल गिफ्ट। जी सर, मैं समझ गया। मैं आज से दिखाने के लिए कोई काम नहीं करूंगा। दोस्तों, अनिकेत को तो ये बात समझ आ चुकी थी कि उसने अब तक दिखावे के लिए न जाने कितने रुपए बर्बाद कर दिए हैं, जिन्हें वो कहीं इन्वेस्ट करके खुद के लिए एक अच्छा खासा इनकम सोर्स जनरेट कर सकता था। आपकी समझ में ये बात आई या नहीं? क्योंकि हम आप अनिकेत की तरह न जाने कितने रुपए हर साल केवल दिखावे के लिए बर्बाद कर देते हैं। हमारी ये आदत हमारी गरीबी की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। आप सभी ने अपने आसपास होने वाली शादियों को तो देखा ही होगा, है ना, जिसमें लोग अपनी लाइफ की सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं सिर्फ दुनिया वालों को ये दिखाने के लिए कि उन्होंने कितने आलीशान तरीके से अपने बेटे या बेटी की शादी की है। जबकि सच तो यह है कि शादी में आने वाले 95% मेहमानों को आपकी इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। उनमें से ज्यादातर लोग रात का खाना खाने के बाद 1-2 दिन में सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, शादियों में होने वाले ये खर्च किस हद तक जायज हैं? कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताइएगा। इधर विष्णु शर्मा जी से मिली पहली सीख से अनिकेत काफी खुश था, और उसे पता था कि ये पूरा सफर उसके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। थोड़ी देर बाद अनिकेत अपना सारा सामान सही तरीके से रखने के बाद विष्णु शर्मा जी से कहता है, सर आपने अभी अभी मुझे जो बातें बताई, मैं उनसे 100% अग्री करता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी ये हैबिट आज इसी पल छोड़ दूंगा, फिर कभी भी दिखावे के लिए पैसे खर्च नहीं करूंगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, अगर आप कहें तो आपसे पूछ लूं। विष्णु जी को युवाओं से बात करना पसंद था, इसलिए वो अनिकेत के सवाल को मना नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, हाँ पूछो ना। सर आपने तो फाइनेंस के बारे में पढ़ाई और रिसर्च भी की है, और तो और लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, तो क्या आप मुझे जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट बता सकते हैं? कितना अजीब है ना, जब कभी भी हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलते हैं तो ये सवाल हम सभी अक्सर पूछते हैं। खैर, जिस तरह से अनिकेत ने कसम खाई कि वो दिखावे के लिए पैसा बर्बाद नहीं करेगा, आपको भी इस बात की कसम खानी चाहिए। चलिए तो जानते हैं कि विष्णु शर्मा ने अनिकेत के इस सवाल का आखिर क्या जवाब दिया। अमीर बनने के इस शॉर्टकट को जानने के लिए जरूर से बातों में अनिकेत ने विष्णु शर्मा से एक ऐसा सवाल पूछ लिया था जो अक्सर हम फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा करते हैं, पैसे का शॉर्टकट। अनिकेत के सवाल पर पहले तो विष्णु शर्मा जी मुस्कुराए, उसके बाद अपने लैपटॉप की विंडो को बंद करते हुए वो अपनी पीठ के पीछे पिलो लगाकर आराम से बैठते हुए बोले, यार अनिकेत, ये आजकल की युवा पीढ़ी को क्या हो गया है,
अगर तुमने मेरी सारी किताबें पढ़ी हो तो तुमने एक बात नोटिस की होगी, मैंने हमेशा से शॉर्टकट रास्ते का विरोध किया है। अब मैं क्या, दुनिया का हर एक वो व्यक्ति जिसे फाइनेंस की अच्छी समझ है वो हमेशा शॉर्टकट के रास्ते को अपनाने के लिए मना करता है। अभी विष्णु जी की बातें खत्म नहीं हुई थी कि अनिकेत बड़ी उत्सुकता से बीच में बोल पड़ा, लेकिन सर मैंने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी थी जिसमें वो तो शॉर्टकट अपनाने के लिए भी कहते हैं। उनका मानना है कि शॉर्टकट का रास्ता रिस्की होता है, लेकिन बिना रिस्क के लाइफ में अमीर नहीं बना जा सकता है। दोस्तों, अब एक ऐसा सवाल आ चुका था जिसमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर को दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर के दिए गए एडवाइस को डिफेंड करना था, लेकिन वो भी बिना किसी को गलत साबित किए। ऐसे में विष्णु शर्मा जी ने अनिकेत को मुस्कुराते हुए क्या जवाब दिया, जरा गौर से सुनिएगा। बिल्कुल सही कहा, बिना रिस्क के तो अमीर नहीं बना जा सकता। हर शॉर्टकट के रास्ते में बहुत ही बड़ा रिस्क है, वहां जीतने के जितने चांसेस हैं मगर उससे कहीं ज्यादा हारने के चांसेस हैं। हाँ, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के अपने विचार होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप शॉर्टकट मत अपनाओ, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता केवल उन्हें अपनाना चाहिए जिनके पास घूमने के लिए पर्याप्त पूंजी हो, या फिर वो लोग जो शॉर्टकट के द्वारा होने वाले लॉस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब इसे तुम एक एग्जांपल के तौर पर समझो। मान लो कि तुम्हारे घर में 10 लाख रुपए रखे हैं, जिसके दम पर तुम्हारे घर के अगले 5 साल के खर्चे चलने वाले हैं। ऐसे में मार्केट में कोई एक स्कीम आती है कि 10 लाख की एक लॉटरी टिकट खरीद लो, अगर जीत गए तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो केवल एक टिकट खरीद के 4 गुना पैसे कमाने का अच्छा मौका है, शायद 1 करोड़ कमाने में पूरी जिंदगी लग जाए। ऐसे में रिस्क लेकर एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन अब ये जरूरी तो नहीं कि वो पैसे आपको ही मिले, तो ऐसे में केवल उन लोगों का रिस्क लेने के लिए कहा जाता है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे हों, जिसे गवाने पर भी उनका कुछ खास नुकसान ना हो, ना कि उन्हें रिस्क लेना चाहिए जिनका नुकसान होने पर उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। विष्णु शर्मा जी की बातें यानी केत की समझ में आ चुकी थी कि आखिर क्यों एक फाइनेंशियल एडवाइजर स्टार्टिंग डेज में लोगों को शॉर्टकट अपनाने से मना करते हैं। अब इधर शॉर्टकट की बात तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अनिकेत के मन में एक सवाल अभी भी चल रहा था। वो विष्णु जी से पूछता है, थैंक यू सर, आपने बहुत ही आसान तरीके से मुझे बात समझाई, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर को शेयर मार्केट जैसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस करते हुए देखा। पुअर डैड बुक में भी लिखी गई है, अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट भी तो एक तरीके का शॉर्टकट ही है, जहां हम किसी और के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के माध्यम से एक दिन में अच्छे खासे पैसे भी बनाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे इन सब चीजों में पढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं भी शेयर मार्केट जैसी चीजों में इन्वेस्ट करने का सोच रहा था। दोस्तों, अनिकेत का सवाल बहुत ही जायज था, और ये सिर्फ अनिकेत नहीं बल्कि शायद हम सभी जानना चाहेंगे। हो ना हो, आज पैसे की नीड तो हर किसी को है ना, और हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाना चाहता है। ऐसे में हम सभी के मन में शेयर मार्केट जैसी चीजों के बारे में ख्याल जरूर से आता है। तो चलिए जानते हैं कि विष्णु जी ने अनिकेत के इस सवाल का क्या जवाब दिया। एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर, देखो मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि शेयर मार्केट जैसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ रिस्क के साथ ग्रोथ करने के भी चांसेस है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने साथ रिस्क लेकर आती है, यानी उस अपॉर्चुनिटी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आपको अच्छा खासा लॉस भी दे सकती है। इसलिए बिना प्रॉपर नॉलेज के कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रॉपर नॉलेज के किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा नुकसान का सौदा होता है। क्या आप मुझे इसके लिए भी कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, ताकि मैं ये समझ सकूं कि हम गलती कहां करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। देखो, आजकल मार्केट में बहुत सारी नई कंपनीज चल रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर अच्छी खासी ठगी भी करती हैं।
ऐसे में अगर आपके किसी दोस्त को पहले कोई प्रॉफिट हुआ होगा तो वो आपको भी उन चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए कहेगा। अगर आप उस इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर एक तरह की बात को अच्छे तरीके से नहीं जान लेंगे और बिना प्रॉपर नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्वाभाविक है ऐसी जगह पर आपके पैसे डूब सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन है तो तुम रिस्क के चांसेस को 95% तक कम कर सकते हो। दोस्तों, विष्णु जी की इस बात से मुझे हाल ही में चल रहे IPL के नाम पर होने वाली इन्वेस्टमेंट याद आती है, जहां किसी एक व्यक्ति को विनर बनाकर ये सभी इन्वेस्टमेंट कंपनी लाखों लोगों के पैसे को डुबाते हैं और हम सभी 100 या 200 रुपए समझकर उसे भूल भी जाते हैं, है ना? मगर जरा सोचिए, अगर 100 रुपए भी करके 1 लाख लोग भी ऐसे सट्टे वाले एप्लीकेशन में हारते हैं तो ये अमाउंट 1 करोड़ हो जाता है। जबकि कितने लोग तो 1000 से 10000 तक भी हारते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर आप प्रॉपर नॉलेज और सही गाइडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप भी जीत सकते हैं। विष्णु जी की ये बातें सुनकर अनिकेत का हौसला थोड़ा सा कमजोर हो गया था, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो भी किसी तरह से शॉर्टकट अपना कर जल्दी अमीर बन जाएगा। लेकिन अब उसे ये समझ आ चुका था कि शॉर्टकट के जरिए जल्दी अमीर बनने की उसकी एक ख्वाहिश उसके लिए मुसीबत की वजह भी बन सकती है। अनिकेत इससे पहले कि कुछ और पूछ पाता, विष्णु जी बाथरूम के लिए बाहर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस से अपने केबिन में आ जाते हैं। केबिन का दरवाजा खुलते ही अनिकेत अपना एक सवाल विष्णु जी के सामने रखता है, जैसे वो काफी देर से विष्णु जी के आने का इंतजार कर रहा हो। सर, शॉर्टकट ना सही, पर क्या कोई और तरीका है जिससे हम जल्दी पैसे वाले बन सके? भाई, पैसे को लेकर इतनी भूख मैंने बहुत दिनों बाद किसी के अंदर देखी है। अनिकेत की बात सुनकर विष्णु जी हंसते हैं और अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। और अनिकेत अभी भी तरफ अपने जवाब के इंतजार में देखता रहता है। अनिकेत के इस सवाल पर विष्णु जी ने क्या जवाब दिया, जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहें कुकू FM को, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, हम सब भी अक्सर किसी एक ऐसे रास्ते की तलाश में होते हैं जहां हमें कम मेहनत से ज्यादा सफलता की उम्मीद होती है। कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम जल्दी अमीर ना बन सकें, बस हमारे पास उन रास्ते तक पहुंचने के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अनिकेत का सवाल भी कुछ ऐसा ही था, जहां उसे अमीर तो बनना था लेकिन उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आखिर वो किस रास्ते से या कौन सा ऐसा काम करके जल्दी अमीर बन सकता है। जब उसने ये सवाल विष्णु जी से पूछा तो विष्णु जी ने जवाब देते हुए कहा, देखो भाई, रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें रास्तों से ज्यादा अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से तुम चाहे जितने भी पैसे कमाओ अमीर नहीं बन पाओगे। हाँ, मेरी ये बातें सुनने में थोड़ी सी नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी बैड हैबिट को पहचानने की बात कर रहा हूं, ताकि तुम खुद के लिए रास्ता तैयार कर सको और जल्द से जल्द अमीर बन सको। अनिकेत विष्णु जी की बातों को मना नहीं कर पाया और वो अपना सवाल बदलते हुए दूसरा सवाल पूछता है, ठीक है, फिर आप मुझे उन सभी बैड हैबिट्स के बारे में बताइए जिन्हें बदलकर मैं अमीर बन सकता हूँ। विष्णु जी को अनिकेत का ये सवाल पसंद आता है और वो उसे कहते हैं, भाई अब जाकर तुमने मेरे मन का कोई सवाल पूछा है, मैं अभी इसी के ऊपर किताब भी लिख रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बता पाऊंगा। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आजकल के उन सभी युवाओं के लिए है जो फाइनेंशियली फ्रीडम तो पाना चाहते लेकिन अपनी आदतों में बदलाव नहीं लाना चाहते। विष्णु जी अपनी बात को जारी रखते हुए अनिकेत से सवाल पूछते हैं, क्या तुम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, स्विगी, ज़ोमैटो इन सब का इस्तेमाल करते हो? हाँ बिल्कुल, आजकल कौन नहीं करता है।
क्या तुम्हें पता है हमारे गरीब रहने के पीछे हमारी ये आदतें भी जिम्मेदार हैं? क्योंकि इस तरह के सब्सक्रिप्शंस न सिर्फ हमारे पैसे बर्बाद करते हैं बल्कि हमारा वक्त भी बर्बाद करते हैं। जैसे अगर आपने किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो जाहिर सी बात है कि आप वहां पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को देखने में अपने दिन की न जाने कितने कीमती वक्त को बर्बाद करेंगे। और इतना ही नहीं, जब हमारे पास किसी एक कंपनी का सब्सक्रिप्शन होता है जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं, फिर भी कुछ लोग 2-3 और कंपनी के सब्सक्रिप्शन लेकर रखते हैं। कुछ लोग तो किसी एक बैंक का कार्ड होने के बावजूद भी 2-3 और बैंकों से क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सालाना क्रेडिट कार्ड का चार्ज भी भरना पड़ता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी इन सब्सक्रिप्शंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं तब तो ठीक, अन्यथा ये सारे प्लान कहीं ना कहीं आपके खर्च को ही बढ़ाते हैं, जो शुरुआती दौर में तो बहुत छोटा लगता है लेकिन जब इसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये अमाउंट रहता है। इसलिए तुम्हें इस तरह के एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शन लेना बंद करना होगा। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें पैसे खर्च ही करने हैं तो अपनी नॉलेज के ऊपर खर्च करो जिससे तुम्हारी नॉलेज बढ़े। जैसे तुम किसी अच्छे ऑडियो प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो जहां तुम्हें रोजाना कुछ न कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें सुनने को मिलेंगी जो तुम्हारी नॉलेज के साथ साथ तुम्हारे करियर में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगी। विष्णु जी की बातें सुनकर अनिकेत को थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि आज के समय में हर कोई इन चीजों का इस्तेमाल करता है। वो विष्णु जी से कहता है, सर क्या आप स्विगी जोमैटो का इस्तेमाल नहीं करते या फिर आप नेटफ्लिक्स अमेज़न नहीं चलाते? नहीं, मैं केवल उन्हीं चीजों के सब्सक्रिप्शन लेता हूँ जिनका मेरी लाइफ में उपयोग हो और जिनके द्वारा मैं अपनी नॉलेज या अपने पैसे को बढ़ा सकता हूँ, न कि किसी ऐसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ जिनके इस्तेमाल से मेरा वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद हो। दोस्तों, हम में से भी न जाने कितने लोग इस गलती को दोहराते हैं। किसी बैंक के अच्छे ऑफर को देखकर हम उनके क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं बिना ये सोचे कि आगे चलकर ये क्रेडिट कार्ड किस तरह हमसे रकम चार्ज करेंगे। ठीक उसी तरह हम ऑफर्स के लालच में आकर अनेकों एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शन में पैसा बर्बाद करते हैं। कुछ लोग तो बेवजह कम्युनिटी और क्लब की भी मेंबरशिप लेकर रखते हैं जो शायद ही साल में एक आध बार इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, आपकी ये आदतें आपको गरीब बनाए, उससे बेहतर है कि आप उन पैसों का सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी विष्णु जी की बातें पूरी नहीं हुई थी, वो अनिकेत को एजुकेशन के ऊपर समझाते हुए कहते हैं, एजुकेशन के लिए पैसे खर्च करना अच्छी बात है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पैसा खर्च करना है तो अपनी एजुकेशन पर कीजिए, लेकिन बिना वजह की डिग्री पर पैसे खर्च करना भी बेवकूफी है। विष्णु जी की बातें अनिकेत की समझ में नहीं आती है, वो उनसे कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। देखो, दरअसल कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ बेवजह की डिग्रियां भी लेकर रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी ना कभी वो सारी डिग्रियां उनके काम आएंगी, जबकि ऐसा बहुत कम होता है। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो बेहतर है कि तुम अपनी फील्ड से रिलेटेड चीजों पर ही पैसे खर्च करो, जैसे डॉक्टरी से रिलेटेड किताबें पढ़ो, उससे रिलेटेड सेमिनार अटेंड करो, उससे रिलेटेड लोगों से मिलो, क्लासेस अटेंड करो, बुक्स पढ़ो। इन सारे कामों में किया हुआ इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अब एजुकेशन के नाम पर तुम इंजीनियरिंग की किताबें पढ़नी शुरू कर दो, बिना वजह रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ने लगो जिसका तुम्हारे फ्यूचर से, तुम्हारे करियर से कोई लेना देना भी नहीं है, ऐसे इन्वेस्टमेंट वेस्ट माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की दो ऐसी बैड हैबिट जिन्हें हमें भी अपने अंदर से मिटाना चाहिए। पहली, कि बिना किसी वजह के बेफिजूल में सब्सक्रिप्शन लेना बंद करना होगा, और दूसरा कि हमें अपनी फील्ड, अपने करियर से रिलेटेड चीजों के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बेफिजूल की डिग्री लेने से बचना चाहिए। इधर अनिकेत आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ सफर कर रहा था जिसके पास फाइनेंस की अच्छी खासी नॉलेज थी। अनिकेत के मन में एक ही सवाल था कि जाने से पहले मैं विष्णु जी से कुछ तो ऐसी चीज सीख कर जाऊंगा जिसकी वजह से मैं भी अपने दोस्तों की तरह
अपनी लाइफ में अमीर बन सकूं। विष्णु जी ने आगे अनिकेत को अमीर बनने के लिए क्या कुछ टिप्स दिए, जानने के लिए जरूर से सुने हमारा अगला एपिसोड सिर्फ कुकू एफएम पर। विष्णु जी और अनिकेत का सफर यूं ही चल रहा था और बातों ही बातों में कब रात के 8 बज गए उन्हें पता भी नहीं चला। विष्णु जी भी अब अनिकेत की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। उनके सामने एक ऐसा नवयुवक था जिसके अंदर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और अमीर बनने का एक नया जोश और जज्बा भरा हुआ था। विष्णु जी को अनिकेत का स्वभाव बेहद पसंद आ रहा था। अनिकेत के दोस्त उसके केबिन में डिनर के लिए उसे बुलाने आते हैं, लेकिन अनिकेत के साथ विष्णु जी को देखकर वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और सब एक एक करके इंट्रोडक्शन के बाद विष्णु जी से बातें करने लगते हैं कि तभी विष्णु जी कहते हैं, भाई तुम सभी से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखो बात तो हम सभी जरूर करेंगे, लेकिन मेरी मानो तो तुम सबको लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड करना सीखना चाहिए कि कब क्या ज्यादा जरूरी है। अगर तुम इसके अकॉर्डिंग काम करना सीख गए तो तुम सभी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे, और मुझे लगता है अभी के लिए ज्यादा जरूरी है तुम सभी का डिनर करना। चलो इसलिए पहले डिनर करते हैं। विष्णु जी की बातें सुनकर अनिकेत का एक दोस्त कहता है, सर आपने कहा ना कि हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि डिनर करने से ज्यादा जरूरी हमें आपसे बात करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। खाने का क्या है, ये तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात रोज नहीं हो सकती। उस लड़के की बात सुनकर विष्णु जी मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, हाँ तुम्हारी ये बात भी ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, आज तुम लोग डिनर यही करो मेरे साथ, बात भी हो जाएगी और डिनर भी, जाओ अपना अपना डिनर लेकर आओ। कॉलेज के इन बच्चों को देखकर विष्णु जी को भी अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, इसलिए वो इन लड़कों को मना नहीं कर पाते हैं और सभी एक साथ डिनर करने बैठ जाते हैं। अब जहाँ 5 बच्चे और एक विष्णु जी जैसा एडवाइजर हो तो फिर शांति से कैसे कोई डिनर कर सकता है। सवाल जवाब का सिलसिला तो चलना लाजमी था। अभी सब अपने टिफिन खोल ही रहे थे कि अनिकेत के एक दोस्त ने विष्णु जी से कहा, सर जैसा कि अभी अभी आपने कहा कि हमें किसी भी काम को प्रायोरिटाइज करके करना चाहिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फाइनेंस के सेक्टर में हमें किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। देखो फाइनेंस के सेक्टर में भी जरूरी और गैर जरूरी खर्च और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए किसी बिजनेसमैन को ले लो, उन्हें पता होता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है, यानी किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना सबसे पहले जरूरी है और कहाँ हम बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता, अक्सर जॉब करने वाले एम्प्लॉयज महीने के अंत में मिलने वाली सैलरी को सबसे पहले अपने तमाम खर्चों में खर्च कर देते हैं, जैसे मकान का किराया, बिजली का बिल, राशन, और इन सब के बाद जो पैसे बचते हैं उससे घर वालों की जरूरत में खर्च किया जाता है, और फिर तब जाकर जो पैसे बचते हैं उससे अपने लिए कोई सेविंग करते हैं। जबकि हमारी ये आदत भी हमारी गरीबी की वजह बनती है। पैसे को खर्च करने का भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें सबसे पहले इस चीज में पैसे खर्च करने हैं। विष्णु जी की ये बात सुनकर वो सभी दोस्त थोड़ी देर खामोश से थे। फिर अनिकेत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लेकिन सर मेरी समझ में एक बात नहीं आई, अगर हम अपने फ्यूचर के लिए पहले ही सेव कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आज की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि अपनी सारी पूंजी सेविंग में लगा दो, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा सेविंग में डालो, और हो सके तो ऐसी सेविंग में लगाओ जो फ्यूचर में आपको ज्यादा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न दे सके, और उसके बाद जो पैसे बचे उनसे अपने एक्सपेंसेस को पूरा करो। अनिकेत का दोस्त रवि काफी देर से अपने मन में कुछ सोच रहा था। जैसे ही विष्णु जी की बातें खत्म हुई रवि ने कहा, सर आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, उन्हें जो मंथली सैलरी आने पर सबसे पहले फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या उन्हें जो अपनी फैमिली की जरूरत को
पूरा करने के बाद सेविंग करते हैं? भाई ये कैसा अजीब सवाल हुआ। चलो खैर, पूछा है तो बता ही देता। सच कहूं तो मैं सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को पसंद करता हूं जो लायबिलिटी की जगह एसेट में पैसे यूज करता है, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टमेंट और सेविंग करना जानता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप वो सेविंग या इन्वेस्टमेंट किन चीजों पर कर रहे हैं। एक सेविंग वो होती है जिसमें ना तो हमारा कुछ प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस, और दूसरी होती है जिसमें हमारा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। ठीक इसी तरह हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, एक जिसमें हम जो कुछ भी परचेज करते हैं समय के साथ उसकी वैल्यू घटती जाती है, और दूसरा हम उन चीजों को परचेज करते हैं जिनका समय के साथ वैल्यू बढ़ती जाती है। पर मैं केवल उन्हें पसंद करता हूँ जो ऐसी चीज परचेज करते हैं जिनका समय के साथ वैल्यू बढ़ती है। दोस्तों, पैसे के खेल में एसेट और लायबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। विष्णु जी की बात सुनकर अनिकेत ने कहा, क्या आप मुझे ऐसी किसी चीज के बारे में बता सकते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है घटती है? हाँ क्यों नहीं। अब देखो, तुम सभी ने अपने हाथ में 1 लाख से ज्यादा महंगे फोन ले रखे। अगर तुम अभी इस फोन को बेचने जाओ तो तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि तुम्हें उसका 50% ही मिलेगा। यानी खरीदने के तुरंत बाद इसकी वैल्यू घटनी शुरू हो गई। लेकिन वहीं अगर तुम 1 लाख के गोल्ड खरीद लेते तो वो आज 1 लाख का है तो कल 1,02,000 का हो जाएगा। विष्णु जी की इन बातों ने उन सभी दोस्तों की आंखें खोल दी। उन्हें ये समझ में आ चुका था कि उन्हें पैसे केवल उन चीजों पर खर्च करने हैं जिनकी वैल्यू रोजाना बढ़ती हो, न कि ऐसी चीजों पर जिनकी वैल्यू घट रही हो। दोस्तों, हमारी ये आदतें हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं और हम धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ने लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे से कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदेंगे जिसकी वैल्यू समय के साथ घट जाए। दोस्तों का ये सफर और भी ज्यादा मजेदार हो चला था, क्योंकि बात करने के लिए उनके साथ एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी मौजूद था। तो बस नए युवा के नए नए सवाल इस पूरे सफर को और भी ज्यादा मजेदार बनाए जा रहे थे। इस सफर में आगे विष्णु जी ने उन दोस्तों को कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनने के बाद अनिकेत ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा फैसला भी किया। क्या कुछ हुआ आगे जानने के लिए जरूर से सुने हमारा अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं कुकू FM, सुने जो मन चाहे। डिनर खत्म होने के बाद सारे दोस्तों ने ग्रुप सेल्फी के लिए विष्णु जी से रिक्वेस्ट की। बेचारे विष्णु जी उन बच्चों की रिक्वेस्ट को भला कैसे मना करते, इसलिए सभी ने सेल्फी ली और फिर विष्णु जी ने उन दोस्तों से एक सवाल पूछा। अच्छा एक बात बताओ, तुम सभी फोटोज का क्या करोगे? क्या तुमने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हो? जब अपनी फोन की मेमोरी में इसे बचाए रखोगे? दोस्तों, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा था, लेकिन इसका जवाब अलग अलग सा मिला। किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बात की तो किसी ने उसे अपने फोन में अपने तक ही रखने की बात की, जबकि ग्रुप के एक मेंबर विनय ने विष्णु जी से कहा, मैं अपने तमाम दोस्तों को दिखाऊंगा जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ फोटो ही नहीं बल्कि मैं उन सभी के लिए आपके द्वारा बताए गए कुछ नॉलेज लेकर जाना चाहता हूँ। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपसे 1-2 सवाल पूछूं। अरे सवाल पूछने में कैसी नाराजगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इंसान को हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए। जो कुछ भी मन में आए उसे तुरंत पूछ लेना चाहिए, इसके भी अपने फायदे हैं। चलो पूछो। मेरा एक दोस्त है रुद्र, वैसे तो वो ठीक ठाक परिवार से है, लेकिन फिर भी वो अपनी जरूरत की सारी चीज EMI और क्रेडिट कार्ड के दम पर लेता है। वो अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को लोन लेकर पूरा करता है और वो हमें भी ऐसा करने की सलाह देता है। एक बार जब मैंने उससे कहा कि बेवजह छोटी छोटी चीजों के लिए लोन और EMI लेना गलत है, तो उसने मुझे रिच डैड पुअर डैड बुक का हवाला देते हुए ये भी कहा कि EMI और लोन लेना गलत नहीं बल्कि सही है और ज्यादातर अमीर व्यक्ति यही काम करते हैं। आपकी नजर में क्या EMI और लोन लेना गलत है या सही? दोस्तों, ये वो सवाल था जो दो अलग तरह की मत रखने वाले लोगों के लिए अलग अलग विचारों को समझने में मदद करेगा। एक वो जिन्हें EMI और लोन लेना सही लगता है, तो एक वो
जिन्हें ईएमआई और लोन लेना गलत लगता है। विनय की इस बात पर विष्णु जी बेहद खुश हुए और वो मुस्कुराते हुए बोले, भाई तुम इतनी देर से खामोश थे, मुझे लगा ही था कि तुम जो भी सवाल पूछोगे वो बहुत ही पेचीदा होगा। देखो, अब यह समझने वाली बात यह है कि ईएमआई या लोन लेना कब फायदेमंद है और कब नुकसानदेह। वैसे कोई दवा तो नहीं ये फायदा या नुकसान करे। देखो, ईएमआई के अपने फायदे हैं। अगर तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए हैं और तुम्हें एक फोन लेना है, ऐसे में तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। एक कि तुम इससे पूरे 1,00,000 को एक बार में खर्च करके फोन ले लो, लेकिन ऐसा करने पर तुम्हारे सारे पैसे एक बार में खत्म हो जाएंगे। और अगर तुम्हें किसी और काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे पास 1 रुपये नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उस फोन को ईएमआई पर लेते हो, वो तुम केवल कुछ अमाउंट देकर फोन ले सकते हो और तुम्हारे पास बाकी पैसे बच जाएंगे जो तुम्हें किसी भी वक्त काम आ सकते हैं, या फिर तुम उन पैसों से कुछ और भी खरीद सकते हो। बाकी रही बात फोन के बाकी अमाउंट की, तो उसे तुम धीरे धीरे कई किस्तों में चुका सकते हो। लेकिन सच कहूं तो ईएमआई और लोन का कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए नहीं होता है। इसे समझने के लिए आपको बेसिक समझना होगा। मेरा मानना है कि हमें ईएमआई या लोन केवल तभी लेना चाहिए जब हम कोई ऐसी वस्तु खरीद रहे हों जिसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी, जो खुद ब खुद उस लोन या ईएमआई पर आने वाले इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकती है, जैसे गोल्ड, प्रॉपर्टी आदि। लेकिन मोबाइल फोन, कार जैसी लायबिलिटी के लिए लोन और ईएमआई लेना मूर्खतापूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको दो तरीके से नुकसान होता है। पहला तो आपने जो चीज खरीदी है उसकी कीमत घटती जाती है, और दूसरे आप उस एक चीज के लिए इंटरेस्ट के रूप में एक्स्ट्रा पैसे भी देते रहते हैं। विष्णु जी की बातें सुनकर उन सभी दोस्तों के लिए लोन और ईएमआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। उन्हें ये मालूम चल चुका था कि उन्हें अपने फ्यूचर में किन चीजों के लिए ईएमआई या लोन लेना है। लेकिन अभी भी ये बातें यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। अनिकेत ने विष्णु जी से कहा, आजकल तो ईएमआई 0% इंटरेस्ट पर भी मिलता है, तो ऐसे में ईएमआई लेने में क्या नुकसान है? थोड़े पैसे लग भी रहे हैं तो क्या हुआ, मौके पर हमारे पैसे भी तो बच रहे हैं जो हमें इमरजेंसी में काम देंगे। देखो, लोन लेना और ईएमआई लेना गलत नहीं है, ये पूरी तरीके से लीगल और सही भी है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी जरूरत को समझते हुए लोन या ईएमआई लेनी चाहिए, ताकि तुम बेफिजूल के इंटरेस्ट भरने से बच सको। और वैसे भी जिस व्यक्ति को एक बार लोन या ईएमआई पर सामान खरीदने की आदत लग जाए, फिर वो बिना अपनी आमदनी की परवाह किए लोन पर लोन लेने लगता है, जिसकी वजह से एक दिन उसे बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इंसान की गरीब होने में ये आदत भी शामिल है, और तुम्हें इन आदतों से भी बचना है। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि बैंक अक्सर कई बार हिडन चार्ज भी लगाते हैं जो बेवजह हमारी जेब पर भारी पड़ता है। इसीलिए केवल उन चीजों के लिए ही लोन उठाएं जो उस लोन पर आने वाले इंटरेस्ट से कई गुना ज्यादा आपको फायदा कराने वाला हो। अगर आप कोई लायबिलिटी खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे लोन या ईएमआई पर न लें, या फिर 0% ईएमआई पर ही लें। कुछ लोग छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लेते रहते हैं, ऐसा करने पर एक दिन उनके ऊपर बैंक का बहुत बड़ा कर्जा आ जाता है और फिर उनका दिवालिया भी निकल जाता है। इसलिए तो विष्णु जी ने इस आदत को भी गरीब होने का मुख्य कारण बताया। अगर आप भी छोटे छोटे चीजों के लिए ईएमआई लोन लिया करते हैं तो याद रखें, ये आदत एक रोज आपको गरीब भी बना सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन पर कंट्रोल कर बदल दीजिए। इधर काफी रात हो चुकी थी और अब सारे दोस्त सोने के लिए अपने केबिन की ओर जाने लगते हैं। वो दरवाजे के बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक से विष्णु जी को एक बात याद आती है और वो उन सभी को रोकते हुए कहते हैं, एक और जरूरी बात मैं तो बताने ही भूल गया। ईएमआई और बैंक लोन के अलावा एक और आदत आप सभी को गरीब बना सकती है, इसलिए उसे भी मत करना। विष्णु जी की ये बातें सुनकर सारे दोस्त हैरानी से पूछते हैं, क्या नहीं करना? देखो, अक्सर लोग दोस्ती यारी के चक्कर में किसी और के लोन में गारंटर बन जाते हैं। याद रखना, किसी और के लोन में गारंटर बनना
आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर किसी का भी गारंटर बनना बेहतर हो कि ना ही बनो तो अच्छा है। दोस्तों, अब यहाँ समझने वाली बात है कि आखिर विष्णु जी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल होता क्या है कि अगर आप किसी की भी लोन में गारंटी के तौर पर सिग्नेचर करते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद अगर वो इंसान लोन चुकाने में असमर्थ होता है तो बैंक उस लोन की कीमत आपसे वसूल करती है। ऐसे में आप अपनी पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये भी आपको गरीब बनाने की आदत में से एक है जिसे आपको नहीं करना है। विष्णु जी की बात में सहमति जताने के साथ सभी दोस्त अपने अपने केबिन में सोने के लिए चले जाते हैं, और इधर अनिकेत और विष्णु जी दोनों केबिन में अपने अपने बेड पर लेट जाते हैं। अनिकेत लेटे विष्णु जी के द्वारा बताई गई सारी बातों को अपने मन में सोच रहा था, लेकिन उसे एक बात का दुख था कि अभी तक विष्णु जी ने उसे कोई भी ऐसी टिप्स नहीं बताई जिसके द्वारा वो जल्दी अमीर बन सकता है। अनिकेत ने सोचा कि अभी डिस्टर्ब करना शायद सही नहीं होगा, इसलिए सुबह होते ही इससे पहले कि विष्णु जी अपने स्टेशन पर उतरें, मैं उनसे अमीर बनने की कुछ तो टिप जरूर से सीखूंगा। ये सोचते सोचते उसे कब नींद लग गई उसे पता भी नहीं चला, मगर रात भर में अनिकेत ने कुछ ऐसे सवाल तैयार कर लिए थे जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी था, और अब उसे इंतजार था अगली सुबह का, जो अनिकेत को ट्रेन से उतरने से पहले एक बेहतर लाइफ लेसन सिखाने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ अगली सुबह जिसने अनिकेत की लाइफस्टाइल को बदल दिया, जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कुकू FM को, सुने जो मन चाहे। कहते हैं ना, अगर बड़े आदमी के साथ रहो तो उनकी हर एक छोटी छोटी आदतें भी आपको कुछ न कुछ सिखा ही देती हैं। ऐसे ही कुछ हो रहा था अनिकेत के साथ। अनिकेत की आंख आज थोड़ी देर से खुली क्योंकि वो आधी रात तक मोबाइल फोन पर वीडियो देख रहा था और फिर लेट सोया था। जब सुबह उठा तो उसने पाया कि विष्णु जी अपनी सीट पर बैठे आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे थे। विष्णु जी को मेडिटेशन करता देख अनिकेत का मन अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगा, जैसे देर से उठकर उसने कोई गुनाह किया हो। वो नीचे उतरकर विष्णु जी को गुड मॉर्निंग विश करके सीधे बाथरूम की ओर जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर अनिकेत बाहर से कुछ सामान अपने और विष्णु जी के लिए खरीद कर ले आता है, जिसे देखकर विष्णु जी कहते हैं, क्या बात है मेरे बिलेनियर, लगता है रातों रात लॉटरी लग गई, सुबह सुबह सोकर उठते ही इतने सारे खर्च। विष्णु जी का ये जवाब अनिकेत के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। उसे लगा था कि वो उन्हें कुछ खाने पीने को देगा तो शायद विष्णु जी बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही था। विष्णु जी ने अनिकेत से कहा, मुझे मालूम है तुम ये सब बड़े प्यार से लेकर आए, पर मैं ये नहीं कहता कि ये सब खरीदना बेकार है, लेकिन अपनी इस आदत से तुम और भी गरीब बनते जाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। कमाने से पहले खर्च करने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए मेरी मानो तो जब तक तुम 100 रुपए कमाना लो तब तक तुम 10 रुपए खर्च करने के बारे में मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी ये आदत एक दिन तुम्हें बर्बाद कर सकती है। कम शब्दों में इतनी बड़ी सीख देकर विष्णु जी अनिकेत के द्वारा लाई चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। इधर मन में अपनी गलती का पछतावा करते हुए अनिकेत विष्णु जी से पूछता है, सर क्या आप कभी बेफिजूल के खर्च नहीं करते? मतलब कभी तो मन करता होगा कि राह चलते कुछ खरीद लूं, कुछ लेकर खा लूं या और भी कुछ। हाँ, क्यों नहीं करता है भाई, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं। मैं बाकी आम इंसान की तरह कुछ भी नहीं खरीद लेता हूँ, मैं केवल उन चीजों को खरीदना पसंद करता हूँ जिनकी मुझे सच में जरूरत है। बिना जरूरत की चीज खरीदना अच्छी आदत नहीं होती। वैसे सर सॉरी, लेकिन आपकी बातों से मुझे लगता है कि फिर तो आप एक नंबर के कंजूस होंगे। सही पहचाना है तुमने, लेकिन इसे कंजूसी नहीं कहते, मैं बस फिजूल के खर्च से बचता हूँ, और सच बताऊं तो मैं बार्गेनिंग भी बहुत करता हूँ। बार्गेनिंग भी करते हैं? वाह। हाँ,
क्योंकि मेरा मानना है कि जो व्यक्ति बार्गेनिंग नहीं करता है वो बेवजह अपने पैसे बर्बाद करता है। बार्गेनिंग ना करने की आदत भी इंसान की गरीबी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। विष्णु जी की ये बातें अनिकेत को थोड़ी सी अजीब लगती हैं। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बार्गेनिंग न करने की आदत इंसान को कैसे भला गरीब बना सकती है। वो अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसका भी जवाब विष्णु जी से पूछ लेता है। सर, हमारी बार्गेनिंग ना करने की आदत हमें कैसे गरीब बना सकती है, क्या आप मुझे इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, अभी अभी तुमने ये चाय 20 रुपए की खरीदी है। अगर मैं होता तो शायद बार्गेनिंग करके इसे 15 या 10 रुपए में खरीदता। इस तरह से मैं अपने 5 रुपए या 10 रुपए बचा सकता था। अब क्योंकि ये केवल एक चाय की बात है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे छोटा अमाउंट समझकर इग्नोर करते हैं। लेकिन जरा सोचो कि अगर तुम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो जिसकी कीमत 10 से 20 लाख है, अब वहां पर अगर तुम बार्गेनिंग करोगे तो कम से कम 1 लाख से 2-3 लाख रुपए बचा सकते हो। ठीक यही होता है जब हम इलाज के लिए अस्पताल में जाते हैं और बिना बार्गेनिंग किए जो भी बिल पर प्रिंट होता है हम वो अमाउंट पे कर देते हैं। इससे हम कम दाम वाली चीजों के लिए भी एक्स्ट्रा अमाउंट करके चले जाते हैं। थैंक यू सर, शायद आप नहीं होते तो मैं इस बात को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे कंजूस समझेंगे। इसलिए आज तक जितना भी मॉल या कहीं और से कुछ शॉपिंग की है मैंने कभी भी बार्गेनिंग ही नहीं की। मुझे तो ये पहले से पता था। एक बात बताओ, तुम लोग दुनिया के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? जो रियल में है वो बनो ना, जो नहीं हो वो दिखने की कोशिश क्यों करते हैं? जब तक तुम अपनी सच्चाई को कबूल नहीं करोगे और तुम उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम नहीं बदल सकते, क्योंकि ऐसा करके तुम किसी और को नहीं खुद को धोखा दे रहे हो। हाँ सर, अब मैं समझ चुका हूँ और मैं आगे से ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बल्कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं हर एक छोटी छोटी चीज के लिए भी बार्गेनिंग करूँगा ताकि मैं अपने ज्यादा पैसे सेव कर सकूँ। वैसे मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना। अनिकेत को मालूम था कि अगले कुछ घंटे में उन दोनों का सफर खत्म होने वाला है, और इससे पहले कि वो दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतर जाएं, अनिकेत अमीर बनने की कुछ जरूरी टिप्स विष्णु जी से लेना चाहता था। बस फिर क्या, उसने उनसे पूछ लिया, गरीबी से बचने के लिए मुझे क्या कुछ नहीं करना चाहिए? आपने मुझे इसके बारे में तो बता दिया, लेकिन आपने अभी तक मुझे अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए ये नहीं बताया। देखो अनिकेत, मुझे मालूम है तुम्हें इस सवाल के जवाब का बेसब्री से इंतजार है और इसीलिए तुम कल से मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। ये बताना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या नहीं करना है, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करने से पैसे तो बनेंगे लेकिन तुम अपने खर्च के ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, अपनी हैबिट में सुधार नहीं करोगे तो जितनी तेजी से पैसे आएंगे उतनी ही तेजी से चले भी जाएंगे। अनिकेत को विष्णु जी का इशारा साफ साफ समझ आ गया था कि उसे पैसे कमाने से ज्यादा उसे कैसे बचाना है और पैसा बर्बाद ना हो इसके लिए उसे क्या करना है ये जरूरी है, इसलिए वो चुपचाप विष्णु की बातें सुनता है। और एक बात, जिस तरह तुम मुझे ग्रोथ करने के बारे में पूछ रहे हो, हालांकि मैं तुम्हें कोई गलत एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन हमारी ये आदत भी हमें कई बार जोखिम भरे परिणाम देती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी ग्रोथ का रास्ता खुद बनाओ। हाँ, तुम दूसरों से किसी भी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, लेकिन किसी और की बात पर भरोसा करके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करो। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जो किसी और के कहने पर शेयर मार्केट या किसी और प्लान में पैसे लगाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी जोखिम भी उठाना पड़ता है। इसलिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने से बेहतर है कि तुम खुद उन चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और खुद अपनी नॉलेज के अनुसार इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा करने से तुम्हारे रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन तुम प्रोफेशनल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हो, एक तो तुम्हारे सामने बैठा है, है? सर, मैं भी तो कल से वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवेज, मैं किसी और की बातों पर जल्दी नहीं आता हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार अपने दोस्तों के कहने पर इन्वेस्टमेंट की है और मुझे भी केवल फेलियर ही मिला है, लेकिन अब मैं आगे से खुद के नॉलेज के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो क्या अब आप मुझे कुछ टिप्स देंगे?
हाँ बिल्कुल। विष्णु जी मुस्कुराते हुए अनिकेत की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने अंदर के इन सभी बैड हैबिट्स को दूर करोगे, क्योंकि मेरी टिप्स तुम्हें पैसे कमाने में मदद तो कर सकती है लेकिन उन्हें बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तब जाकर तुम अमीर व्यक्ति बन पाओगे, वरना हजारों लोग रोजाना पैसे कमाते और बर्बाद कर देते। अब तुम ही देखो, एक भिखारी जो रोज कम से कम 500 से 1000 रुपए कमाता है लेकिन अपनी आदत की वजह से वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता है, जबकि देखा जाए तो महीने में 15000 से 30000 रुपए तक कमाता है। वही प्राइवेट सेक्टर में 15000 से 30000 रुपए तक की नौकरी करने वाला व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी जीता है। इनके पीछे की वजह है उनकी आदत, समझे? दोस्तों, जो भी हो, विष्णु जी की इस बात में सच्चाई तो थी, क्योंकि हम सब भी कहीं ना कहीं पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन अपनी इन्हीं बैड हैबिट्स की वजह से हम मनमाना पैसा पाने की तरफ बहाते हैं। तो अगर आप भी इन आदतों से परेशान हैं तो अपनी हैबिट में सुधार करके आप भी अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अब वक्त आ चुका था विष्णु जी से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ टिप्स लेने का। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए विष्णु जी ने क्या कुछ टिप्स दिए, जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिए कुकू FM को, सुने जो मन चाहे। इस सफर को लगभग 10 से ज्यादा घंटे हो चुके थे लेकिन अभी तक अनिकेत को उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था। आखिरकार अब वो पल आ चुका था जब अनिकेत को उसके सवालों का जवाब मिलने वाला था, क्योंकि विष्णु जी फाइनली अब उसे कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले थे जिसकी मदद से वो एक अमीर व्यक्ति बन सकता है। अपनी बात को शुरू करने से पहले विष्णु जी अनिकेत से 2-4 सवाल पूछते हैं। क्या तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मालूम है? सॉरी सर, लेकिन मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं मालूम। कोई बात नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं होता है लेकिन तुम मेरी इस बात को भी नोट कर लो कि ये भी तुम्हारी बैड हैबिट में ही शामिल है, और ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी की बैड हैबिट है जिन्हें कंपाउंड इन्वेस्ट के बारे में मालूम नहीं होता है, क्योंकि इसकी वजह से वो सभी लोग पैसे में होने वाले फ्लक्चुएशन को नहीं समझ पाते। जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलती है वो सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही रन करती है। बड़े बड़े बैंकों में लगने वाले इंटरेस्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही लिए या दिए जाते हैं। सर, लेकिन ये होता क्या है? क्योंकि जिन्हें इसके बारे में नहीं मालूम है उन्हें ये कैसे समझ आएगा कि इसकी नॉलेज न होने की वजह से हमारा क्या नुकसान होता है? अगर आप मुझे बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, आज हम में से बहुत सारे लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं मालूम होता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं अनिकेत के सवाल पर विष्णु जी ने क्या कुछ कहा। देखो अनिकेत, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट पर लगने वाला एक इंटरेस्ट है जो समय के हिसाब से बढ़ता रहता है। जब किसी भी पैसे को एक सीमित समय के लिए जमा किया जाता है तो बैंक के द्वारा उस पर कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है और वो इंटरेस्ट समय के साथ धीरे धीरे अमाउंट के साथ बढ़ता रहता है। इसे तुम इस तरह से भी समझ सकते हो, मान लो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए देता हूँ और तुमसे कहता हूँ कि इसे अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, तो तुम्हें हर साल 15% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगले 5 साल में तुम्हें 1,00,000 की जगह लगभग 2,01,000 रुपए मिलेंगे, और अगर तुम इसे और भी ज्यादा लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यही 1,00,000 1 करोड़ में भी बदल जाएगा। अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ कर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत आसानी से अमीर बन सकता है, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वो अमीर बनने की अपनी न जाने कितनी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देते हैं। इसलिए अब कभी भी तुम जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे सबसे पहले उसमें हर साल मिलने वाले इंटरेस्ट के साथ अगले 10 से 15 सालों में कितना रिटर्न मिलने वाला है उसकी भी जांच करके इन्वेस्ट करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम आसानी से अमीर बन जाओगे।
विष्णु जी की इन बातों से अनिकेत को ये तो समझ में आ गया था कि इन्वेस्ट करने से पहले उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठा करनी होगी, ताकि वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बना सके और एक अच्छा और हाई रिटर्न प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो आपने भी आज तक अमीर होने के न जाने कितने मौके गंवा दिए। अभी विष्णु और अनिकेत की बातें चल ही रही थी कि अनिकेत के बाकी दोस्त भी केबिन में आ जाते हैं। उन सभी को देखकर विष्णु जी काफी खुश होते हैं और कहते हैं, आओ, फ्यूचर वेलकम। मैं तो अभी भी अनिकेत से बड़े अच्छे मुद्दे पर बात कर रहा था, क्योंकि तुम लोग भी फ्यूचर, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग भी उसका हिस्सा बनो। हाँ, लेकिन कोई दबाव नहीं है मेरी तरफ से। विष्णु जी की ये बात सुनकर विनय बोला, एक्चुअली सर, कल यहाँ से जाने के बाद हम सभी दोस्त आपके ही बारे में बात कर रहे थे, और वैसे भी अनिकेत काफी लकी है जो इसे आपके कैबिन में सीट मिला। मुझे लगा कि आप उठ गए होंगे, इसलिए हम सारे दोस्त भी आपके पास कुछ नई चीज सीखने के लिए आ गए। तो अब आप बताएंगे कि अनिकेत को क्या कुछ सिखा रहे थे आप? विनय की इस बात पर विष्णु जी पहले हंसते हैं, उसके बाद कहते हैं, भाई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा था। मैं तो बस अनिकेत को कुछ छोटी छोटी टिप्स दे रहा था, ताकि ये अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। वैसे भी आजकल के बच्चों को कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, वो वैसे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बस उन्हें एक सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो फिर चलो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, आप में से कितने लोग बजट बनाकर काम करते हैं? वैसे तो यह सवाल विष्णु जी ने उन 5 दोस्तों से पूछा था, लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप भी अपनी लाइफ में बजट बनाकर काम करते हैं, या फिर जब जो दिल में आता है वो कर लेते हैं? वैसे मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग बजट बनाकर ही काम करते होंगे, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आगे विष्णु जी जो कुछ भी बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। विष्णु जी के इस सवाल पर सारे दोस्तों ने एक साथ हाँ में हामी भरी और बताया कि वो सभी बजट बनाकर ही काम करते हैं। इनफैक्ट वो इस ट्रिप के लिए भी काफी समय से बजट बना रहे थे। उन सभी की ये बात सुनकर विष्णु जी काफी खुश होते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम सब बाकी लोगों की तरह बजट बिना बनाए काम नहीं करते, बल्कि तुम सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना काम करते हो। अगर ये आदत लंबे समय तक अपनाए रखोगे तो ये तुम लोगों को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि तुम सब अपना बजट कैसे बनाते हो। विष्णु जी की बात उन सभी दोस्तों को समझ में नहीं आई, इसलिए सभी ने एक साथ में कहा, बजट कैसे बनाते हैं मतलब? मेरा मतलब है जैसे कुछ लोग मंथली सैलरी आने से पहले ही खर्च का बजट बना लेते हैं कि उन्हें कहां कहां खर्च करना है, जबकि एक अमीर व्यक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो पैसा आने से पहले उसे कहां इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट किए पैसे से किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना है, वो सबसे पहले इसके बारे में सोचता है और फिर बचे हुए पैसे को अपने एक्सपेंसेस में इन्वेस्ट करता है। और कई बार तो लोग अपने एक्सपेंसेस को आगे भी टाल देते हैं। इस बात को और भी आसानी से समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो किसी की मंथली सैलरी 15,000 रुपए है और बिना बजट प्लान किए उसने अगर कोई कार या घर खरीद लिया तो स्वाभाविक है कि उसका बजट बुरी तरीके से टूट जाएगा। ऐसे में वो ना तो घर या कार की ईएमआई को संभाल पाएगा और ना ही अपने या अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर पाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए हम सभी के पास एक प्रॉपर बजट होना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जितनी चादर हो पैर हमेशा उतने ही फैलाने चाहिए। दोस्तों, मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद हैं, जब पिताजी मुझे मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए हफ्ते में केवल 200 रुपए दिया करते थे, जिसमें मेरे कॉलेज आने जाने के साथ साथ अपनी जरूरत की चीजों को भी पूरा करने के लिए पैसे बचाने पड़ते थे। उस वक्त मुझे 200 रुपए कम लगते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक सही बजट बनाना सीख लिया। जैसे मुझे कॉलेज से घर आने में कितने रुपए लगेंगे और अपनी जरूरत के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए, और फिर बचे पैसे को मैं किस तरीके से और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, ताकि मैं अपनी बाकी जरूरत को भी पूरा कर सकूं।
सच कहूं तो उस वक्त में मुझे ऐसा लगता था कि पिताजी जानबूझकर मुझे कम पैसे देते हैं ताकि मैं गलत रास्ते पर न जाऊं या नशा सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा बर्बाद न करूं। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि पिताजी ने मुझे जाने अनजाने में मनी मैनेजमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज दे दी थी। वैसे अगर आपका भी बजट फिक्स नहीं है और आप भी बजट प्लान करना चाहते हैं और मनी मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप कुकू एफएम पर हमारे मनी मैनेजमेंट वाले शो को सुन सकते हैं। चलिए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। अनिकेत और उसके दोस्त विष्णु जी से मनी मैनेजमेंट और बजट प्लानिंग को लेकर ढेर सारे सवाल जवाब करते हैं और सारी चीज सीखते भी हैं। तभी अनिकेत के मन में एक सवाल आता है और वो विष्णु जी से कहता है, सर आई नो मैं जो पूछने वाला हूँ वो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी मुझे जानना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रोथ करने के बारे में सोचते तो हैं और काम भी करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमारे विरोध करने लगते हैं जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोकता भी है। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? क्या आप मुझे इसके बारे में भी गाइड कर सकते हैं? दरअसल अनिकेत का ये सवाल मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है जहां अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े सपने देखता है और बड़ी बड़ी बातें करता है तो लोग अक्सर उसे अजीब और गरीब एग्जाम्पल देकर फेल होने के डर से डराने लगते हैं। लोगों की ये एक्टिविटी न सिर्फ उस इंसान के हौसले को तोड़ देती है बल्कि उससे कुछ नया करने और नया सोचने की क्षमता को भी छीन लेती है ना? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो जरूर से सुने विष्णु जी का जवाब हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहे कुकू एफएम को, सुने जो मन चाहे। अनिकेत का ये सवाल ना सिर्फ अनिकेत के लिए जरूरी था बल्कि उन सभी के लिए जरूरी था जो उस वक्त केबिन में मौजूद थे। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये सवाल हम सभी के लिए भी जरूरी है तो शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा। क्यों दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ के फैसले दूसरों के अनुसार बदलते रहते हैं। ऊपर से अगर कोई कुछ बुरा कह दे तो फिर उस काम को करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ना? क्योंकि उस काम को लेकर हमारे मन में एक नेगेटिव थॉट बैठ जाता है और आपको तो ये पता ही है कि अगर नेगेटिव थॉट्स के साथ किसी काम को किया जाए तो उसका परिणाम भी नेगेटिव ही आता है। इसलिए ये बात तो तय है कि हमारी लाइफ हमारे आसपास के लोगों के द्वारा भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। जब यही सवाल अनिकेत ने विष्णु जी से पूछा तो उन्होंने अनिकेत को समझाते हुए कहा, देखो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें इनकी बातें माननी है और किनकी बातें नहीं माननी है। और ये तो स्वाभाविक है कि लोग अगर हमारे जैसे सोच नहीं सकते तो वो अक्सर हमारे खिलाफ ही बात करते हैं। ऐसे में हमें नैरो माइंड पीपल से दूर ही रहना चाहिए और हो सके तो उनकी बातों को इग्नोर भी करना चाहिए। मैं आप सबको कुछ ऐसी टिप्स बता रहा हूँ जो हमारे आसपास में लोगों से जुड़ी हैं और ये टिप्स तुम्हें फाइनेंशियली ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, कभी भी उन लोगों से किसी भी तरह की एडवाइस ना लेना जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खास काम ना किया। जैसे जिस व्यक्ति ने इससे पहले कभी बिजनेस ना किया हो, अगर आप उससे बिजनेस के बारे में एडवाइस लेंगे तो स्वाभाविक है कि वो आपको गलत जानकारी ही देगा। इसी तरह अगर किसी ने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो उससे ली गई एडवाइस आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दूसरी बात, नेगेटिव बातें और नेगेटिव थॉट्स हमेशा इंसान को नेगेटिव साइड में लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहकर हम कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। ऐसे में बेहतर होगा कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें। तीसरी बात, कुछ लोग काफी इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं जो ना तो किसी से दोस्ती रखते हैं और ना ही किसी से कोई संबंध रखते हैं। ऐसे लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इसलिए हमें जितना हो सके लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए। हाँ, वैसे एक आदत है जो हर व्यक्ति को बदलनी चाहिए, वो यह है कि किसी से भी पैसे की मदद मांगने के बजाय उस व्यक्ति से पैसे कमाने के आइडियाज के बारे में पूछना चाहिए।
मैं अक्सर लोगों को देखता हूं जो दूसरों से पैसे उधार लेते हैं। देखो तुम सभी यंग हो और मुझे मालूम है फ्यूचर में कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अपने दोस्तों से या किसी से भी पैसे उधार मांगने की बजाय पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में जरूर पूछना। ये आदत तुम्हें बहुत जल्दी अमीर बना सकती है। और आखिरी बात, प्लानिंग। जब कभी भी प्लानिंग करो तो अपने पार्टनर को भी प्लानिंग में इन्वॉल्व जरूर करो। मैंने अक्सर फैमिलीज में देखा है लोग अपने पार्टनर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर शायद उनकी बजट प्लानिंग में उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका पार्टनर आपकी सिचुएशंस को अच्छी तरीके से समझता है, इसलिए जब कभी भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो अपने पार्टनर को भी जरूर इन्वॉल्व करें ताकि आप एक बेहतर फ्यूचर प्लान कर सके। विष्णु जी की कही एक एक बात अनिकेत के लिए किसी लाइफ चेंजिंग शब्द से कम नहीं थी। वो एक एक बात को बड़ी बारीकी से सुन और समझ रहा था, क्योंकि उसके बाकी दोस्त अमीर घराने से थे, लेकिन अनिकेत को अभी अपनी अमीरी का सफर तय करना था। बातों ही बातों में अनिकेत के मन में एक अजीब सा सवाल आया और उसने विष्णु जी से बड़े संकोच करते हुए कहा, सर मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पैसे के मामले में इंसान को सेल्फिश होना चाहिए, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखो सच कहूं तो पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी भी रिश्ते को बना या बिगाड़ सकता है, और ये भी सच है कि हमें पैसे के मामले में सेल्फिश होना चाहिए। चाणक्य की कही वो बातें हमेशा याद रखना, अगर तुम ज्यादा धन पाना चाहते हो तो तुम्हें पैसे को लेकर लालची बनना होगा। अभी विष्णु जी की बातें पूरी नहीं हुई थीं कि अनिकेत बीच में बोल पड़ा, लालची? क्या सर, एक तरफ तो आप हमें बुरी आदतों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमें लालच जैसी आदत अपनाने के लिए भी कह रहे हैं, ये जानते हुए भी कि लालच करना गलत है और इसका परिणाम भी गलत होता है। मुझे तुम्हारी आदत बहुत पसंद है कि तुम छोटी छोटी बातों को भी बड़े गौर से पकड़ते हो। ये बहुत अच्छी खूबी है कि तुम चीजों को बड़े ध्यान से सुनते समझते हो। याद रखना, जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होते वो लोग भी अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। हाँ तो बात करते हैं तुम्हारे सवाल पर कि लालच करना बुरा है या नहीं। अच्छा देखो, सच बताऊं तो लालच करना तब अच्छा है जब वो लालच किसी को बिना नुकसान पहुंचाए तुम्हारा फायदा कर रहा, लेकिन वो लालच करना जिसमें किसी दूसरे का नुकसान हो वो हमेशा से गलत माना गया है। और यहाँ पैसे के लालच का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें दूसरों के पैसे को छीनना या हड़पना है, बल्कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ग्रीडी बनना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर पैसे को लेकर एक भूख होनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति के अंदर पैसे को लेकर भूख नहीं है वो व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकता है। मुझे याद है एक बार मैंने चाणक्य की लिखी किताब में पढ़ा था जहां उन्होंने जिक्र किया था कि पैसे के लिए जिद्दी भी बनना पड़ता है। अगर आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं तो उनसे अपना पैसा मांगने में बिल्कुल भी शर्म ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दिए पैसे मांगने में शर्म करता है उसे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना ही पड़ता है, यानी गरीबों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मेरे पड़ोस में एक मिश्रा जी रहते थे जो अक्सर लोगों की मदद किया करते थे। उनके इसी नेचर की वजह से कई बार कुछ लोग बेवजह बहाने बनाकर भी उनसे पैसे ले जाया करते थे। मिश्रा जी की इन आदतों की वजह से एक रोज मिश्रा जी के पास पैसे की कमी हो गई। ऐसे में जब उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी तो वो लोगों से अपने दिए उधार पैसे नहीं मांग पाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि दूसरे लोग मुश्किल में अपनी जरूरत के लिए उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर पैसे लेकर जाते थे और जब उन्हें जरूरत होती तो अलग अलग तरह के बहाने भी बनाया करते थे। बिल्कुल, दूसरों की मदद करने की आदत भी आपको गरीब बनाती है, इसलिए आपको दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करनी चाहिए। जैसे हवाई यात्रा के वक्त आपको इंस्ट्रक्शन के तौर पर साफ साफ कहा जाता है कि दूसरों को असिस्ट करने से पहले आप खुद को सुरक्षित कर लें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो बस यही बात हमें अपनी असली जिंदगी में भी अपनानी चाहिए।
तो अगर तुम्हारे अंदर भी अपने पिता की तरह ये आदत है तो तुम्हें इसे सुधारना होगा और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा। हाँ, तो देखा दोस्तों, किस तरह अपनी आदत के कारण अनिकेत के पिता को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ता था। अगर आप भी इस तरह की आदत को अपनाए हुए हैं तो याद रखना, आपको भी बुरे दौर देखने पड़ सकते हैं। इससे पहले वो दिन आए, अपनी इन आदतों को बदल दीजिए और दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करें। अनिकेत और बाकी सारे दोस्त विष्णु जी से हो रही इस बातचीत से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें फाइनेंस की इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही थी कि मानो अब उन्हें अपनी लाइफ में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इधर रवि चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद रवि अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, सर आपने बताया कि हमें पैसे को लेकर काफी ज्यादा ग्रीडी होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम में से हर कोई पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है और हर व्यक्ति के अंदर पैसे की भूख भी होती है। फिर भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि बहुत सारे लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? दोस्तों, ये वो सवाल था जिसका जवाब मुझे लगता है हर कोई जानना चाहेगा, क्योंकि पैसे की भूख तो हर किसी के अंदर होती है ना? फिर आखिर वो क्या वजह है कि हर व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता? जानेंगे इस सवाल का जवाब अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में रवि ने एक ऐसा सवाल पूछा था जो विष्णु जी को बहुत पसंद आया, क्योंकि हो ना हो रवि की बातों में सच्चाई थी, है ना? आज के समय में हर कोई ढेर सारा पैसा तो पाना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से ही हर कोई अमीर नहीं बन पाता। तो चलिए जानते हैं रवि के सवाल पर विष्णु जी ने क्या कुछ कहा। मुझे लगता है अब तक का ये मेरा दूसरा फेवरेट सवाल है। बहुत कम ही लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि आखिर हर कोई क्यों नहीं अमीर बन सकता। तो भाई देखो, अमीर बनने के लिए इंसान के अंदर कुछ खूबियां होनी बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो इंसान के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके कोई कभी भी अमीर नहीं बन सकता। आप किसी भी अमीर व्यक्ति को देख लीजिए, हर एक अमीर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाए हुए है। दूसरी बात, वो व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकते जिनका कोई वर्क शेड्यूल नहीं है या फिर जिनका डेली रूटीन सेट नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी भी किसी काम को टाइम पर फिनिश नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अक्सर या तो उनके काम में देरी होगी या फिर उन्हें लोगों की कंप्लेंट का सामना करना पड़ेगा। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो ज्यादातर लोगों के अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती है, जो अमीर बनने के लिए एक इंसान के अंदर होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो जितना बड़ा रिस्क लेता है उसे उतनी बड़ी मंजिल मिलती है। हालांकि कुछ जगह पर ये बातें गलत साबित हो जाती हैं। और चौथे पॉइंट की बात करूं तो कुछ लोगों को पैसे अर्न करने और उसे सही इस्तेमाल करने तो आते हैं, मगर पैसे से पैसे बनाने नहीं आते। वो लोग अपने डेली काम को करके अपने ढेर सारे पैसे तो बना सकते हैं, लेकिन कभी अमीर नहीं बन सकते जब तक उन्हें पैसे से पैसे बनाना ना आ जाए। अगर तुम सब अमीर बनना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम्हें इन सारी आदतों को अपनाना चाहिए। विष्णु जी के मुंह से पैसे बनाने की बात सुनकर सभी दोस्त बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि अब तक उन्होंने ये सारी बातें किताबों में पढ़ी थी कि पैसे से पैसे भी बनाए जाते हैं। आज पहली बार कोई उनके सामने इस मुद्दे पर बात कर रहा था। बड़े एक्साइटमेंट के साथ विनय पूछता है, सर क्या आप हमें भी पैसे से पैसे बनाना सिखाएंगे? अगर तुम्हें याद हो तो 10 बजने वाला है और अब मेरा स्टेशन आने का समय भी हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें तो नहीं सिखा सकता, लेकिन हाँ तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हें इन आदतों को भी अपनाना होगा, क्योंकि ये वही रास्ता है जिसकी मदद से अमीर आदमी और भी ज्यादा अमीर बनता जाता है। दोस्तों, क्योंकि वक्त गुजर रहा था और विष्णु जी का स्टेशन भी आने वाला था, ऐसे में अभी तक अनिकेत को इस बारे में पता नहीं चला था कि वो कैसे अमीर बन सकता है ना? इसलिए उसके मन में बेचैनी सी होने लगती है और वो जल्दी जल्दी अपने सवाल पूछने लगता है। मुझे माफ करें सर, हम आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं।
लेकिन हमें ये मौका बार बार नहीं मिल सकता और शायद आप भी हमें इतना खुलकर अपना वक्त ना दे पाए, इसलिए हमारे मन में कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ पूछे ना, लेकिन थोड़ी जल्दी में। आप हमें पैसे से पैसे बनाने की पूरी बात न सही, लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसे रास्ते बता दीजिए जहाँ हम भी पैसे से पैसे बना सकें और जहाँ रिस्क भी कम हो। अभी अनिकेत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रवि भी एक सवाल पूछ लेता है। सर साथ में ये भी बता दीजिएगा कि पैसे से पैसे बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उन मिस्टेक को करने से बच सकें। यार तुम लोग कमाल के हो, एक ही दिन में कितना कुछ जान गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग इन सारी बातों को फॉलो भी करने वाले हो या बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने वाले? विष्णु जी की ये बातें सुनकर सारे दोस्त मुस्कुराते हुए हामी भरते हैं। सर कैसी बात करते हैं, ये वो बातें हैं जिन्हें बताने के लिए आप लोगों से लाखों चार्ज करते हैं, ऐसे में हम इन बातों को भला नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। सच कहूं तो आज आपकी सारी बातों ने मेरी पूरी लाइफस्टाइल बदल के रख दी है। मैंने तो यहाँ तक खुद से वादा भी कर लिया है कि मैं अपनी सारी बुरी आदतों को बदल दूंगा और आज से अपनी हकीकत को अपना कर अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है अनिकेत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स बता देता हूँ जहाँ रिस्क भी कम है और तुम वहाँ पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, बिना रिस्क के लाइफ में ग्रोथ करना मुश्किल है। हाँ लेकिन एक बार तुम्हारी लाइफ में पैसे आने शुरू हो जाए तो तुम किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर बड़े रिस्क ले सकते हो, और अगर चाहो तो तुम फ्यूचर में मुझे दोबारा भी मिल सकते हो। ओके तो देखो, सबसे पहले तो तुम अपने पैसे को बैंक में एफडी करके रख सकते हो जहां बैंक सालाना तुम्हें इंटरेस्ट के रूप में कुछ परसेंटेज भी देगी। लेकिन बैंक में एफडी करने से पहले बैंक के इंटरेस्ट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से समझ लेना। दूसरा, तुम किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कंपनी के बारे में पिछली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना होगा। और तीसरी टिप्स है पोस्ट ऑफिस, तुम पोस्ट ऑफिस में भी एफडी कर सकते हो या फिर चाहो तो LIC वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ तुम्हें लाइफ कवरेज के साथ एक फिक्स टाइम के बाद अच्छा रिटर्न भी मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस न सिर्फ तुम्हारी लाइफ की सिक्योरिटी होती है बल्कि टैक्स में भी छूट दिलाती है। इसके अलावा अमीर बनने के कुछ सेफ तरीके में ब्याज पर भी पैसे देना है, बस कुछ कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आप किसी को भी 5-10% पर पैसे ब्याज पर दे सकते हैं और एक मोटी रकम कमा सकते हैं। शुरुआत में ये तरीका कुछ रिस्की लग सकता है मगर एक बार आप अच्छे व्यक्ति को पहचान कर सारी चीजें क्रॉस चेक करके पैसे देते हैं तो ये रिस्क कम हो जाता है। हाँ हमें एक चीज और करनी चाहिए, हमारी जो भी कीमती चीजें हैं हमें उनका इंश्योरेंस करके रखना चाहिए, जैसे घर गाड़ी गहने आदि, क्योंकि हमें भविष्य का नहीं पता, क्या पता कल को किसी वजह से हमारी ये चीज कहीं खो जाए या टूट जाए। ऐसे में बीमा कंपनी द्वारा हमें एक मोटी रकम प्राप्त होती है, तो अपनी महंगी चीजों का बीमा करना बिल्कुल भी ना भूले। पैसे से पैसे बनाने की अगली कड़ी में आता है किसी भी अच्छी ग्रो कर रही कंपनी में इन्वेस्ट करना या फिर किसी ऐसी चीज में पैसे लगाना, किसी ऐसे बिजनेस में पैसे लगाना जो मार्केट में ट्रेडिंग पर हो। अक्सर ऐसी कंपनी पर पैसे लगाने से हमें मोटी रकम प्राप्त होती है। अभी विष्णु जी की बातें खत्म नहीं हुई थी कि ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई और विष्णु जी उन सभी को ऑल द बेस्ट कहते हुए अपनी बोगी से उतर गए। सारे दोस्तों के चेहरे पर एक पॉजिटिव स्माइल थी क्योंकि आज उन्हें उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन मिला था। सबसे ज्यादा खुश अनिकेत था क्योंकि उसे हमेशा पैसे की जरूरत रहती थी और अब उसके पास वो सारे रास्ते थे जिसके द्वारा वो अमीर बन सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा शो जहां हमने उन तमाम आदतों के बारे में जाना जो हमें और भी ज्यादा गरीब बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। हमने देखा कि कैसे शो ऑफ के चक्कर में हम अपने लाखों रुपए बर्बाद करते हैं या अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन और प्लान के चक्कर में हम अपने कितने पैसे बर्बाद करते हैं, और इतना ही नहीं एसेट और लायबिलिटी में भी हमें फर्क करना समझ आया।
हमने इस पूरे शो में छोटी छोटी गलतियों को देखा जो हम अक्सर करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे शो से आपको उन सारी बैड हैबिट्स का पता चल चुका होगा जो आप करते हैं। बस अपनी उन सारी बैड हैबिट्स को दूर करके आप भी निकल पड़िए अमीर बनने के अपने सफर पर। उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफर बहुत ही मजेदार होगा। ढेर सारी दुआओं और एक नई उम्मीद के साथ हम आज का अपना ये शो यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे जल्द किसी नए शो में। तब तक के लिए सुनना ना भूलें कुकू FM को, सुने जो मन चाहे।
हूँ।